जय हिंद नमस्कार मेरे शेर सैनियों। लाडो आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस की एग्जाम डेट आ चुकी है, सारी डेटें भी आपको क्लियर है। इसीलिए मैंने एक आरटीआई लगाया था स्पेशली दिल्ली पुलिस के फॉर्मों को लेकर कि कितने रेस्ट में फॉर्म भरे गए हैं, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, कौन सी कैटेगरी से कितने बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। ये आपके लिए भी बहुत जरूरी है जानना कि इस बार किस कैटेगरी की कट ऑफ कितनी रहेगी, क्योंकि जिसके फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं ऑब्वियसली उसकी कट ऑफ भी ज्यादा रहेगी। तो आपको आज के इस वीडियो से सारी चीजें क्लियर होने वाली है कि किस कैटेगरी के कितने फॉर्म भरे गए। मैंने आरटीआई आज से 4-5 दिन पहले लगाई थी जिसका जवाब भी आ चुका है। देखिए साथ ही जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन सबको बता दूं, एसएससी जीडी का पूरा कॉम्बो बुक्स हमारा फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है और पिछले एक महीने से लगातार ट्रेंडिंग में भी है। अगर आपके पास में अभी तक ये बुक्स नहीं है तो अभी ले लीजिए, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि आप रह जाओ आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, बार बार फ्लिपकार्ट की तरफ से कुछ इश्यू चल रहा है उसकी वजह से इस समय अवेलेबल है। जो बच्चे हमारे एसएससी जीडी के बैच अग्रिम बैच से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं, मात्र 999 में ये बैच है, एसएससी जीडी तक पूरा का पूरा लाइव बैच। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछे थे आरटीआई में, कौन कौन से मैंने क्वेश्चन पूछे थे उसको बताता हूं। दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट 7,547 पोस्ट पर, पहला क्वेश्चन था हाउ मेनी टोटल फॉर्म फिल अप इन दिल्ली पुलिस 2023, यानी सभी कैटेगरी यहां पे लिखा हुआ ऑल कैटेगरी। फिर मैंने पूछा था कि हाउ मेनी टोटल फॉर्म फिल अप इन दिल्ली पुलिस जनरल कैटेगरी, फिर ओबीसी कैटेगरी, फिर एससी कैटेगरी, फिर एसटी कैटेगरी और फिर ईडब्ल्यूएस। यही सारी कैटेगरी है जिनमें फॉर्म भरे गए, क्योंकि पिछली बार की दिल्ली पुलिस की आपने कट ऑफ देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो हमारा एक पुराना वीडियो जो दिल्ली पुलिस की पिछली कट ऑफ के ऊपर है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें भी मैंने करेक्ट आंकड़े बताए थे। इस बार भी जब मैंने ये लगाया तो इसका आज ही रिप्लाई आया है। देखिए ये जो लगाया था, ये लगाया था 5-10 को, लगभग एक महीना के आसपास, मतलब 21 दिन हो गए फॉर्म लगाए हुए। नेम विराट चौधरी, ये जो मैंने आरटीआई लगाई थी उसकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम रिक्वेस्ट डिस्पोज हो गई थी उसके बाद में 25-10 को, और ये आया आंसर। मैं आपको बता दूं टोटल 32,33,083 फॉर्म भरे गए। यहां देखिए, अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप अच्छे से देखिए, इसका मैं जो स्क्रीनशॉट है ये भी वो देना, उसका रिमोट आपको दिखाता हूं एक मिनट। इसका जो स्क्रीनशॉट है वो हमारा कमांडो अकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ये आरटीआई भी हम डाल देंगे, तो आप इस आरटीआई को आराम से देख सकते हैं। और मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूं जो रिप्लाई आया है वो, ठीक है, ये आपको दिखा होगा अभी। यहां पर देखिए टोटल फॉर्म 32,43,083 फॉर्म, टोटल फॉर्म जो भरे गए हैं वो है 32,43,083 फॉर्म भरे गए हैं। अब कैटेगरी वाइज भी बताया गया कि कौन सी कैटेगरी से कितने फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, इस डिपार्टमेंट ने हमको ये जानकारी दी है, मैंने खुद ने ये आरटीआई लगाई थी आपको बता दूं। अब देखिए एससी कैटेगरी के फॉर्म भरे गए हैं लगभग 8,04,331, ध्यान रखना लड़कों और लड़कियों दोनों को मिलाकर। हम आरटीआई की रिप्लाई जो यहां पर छोटा सा दिया हुआ ना, इसको मैं आपको यहां पर बड़ा करके दिखा रहा हूं, और ये जो ओरिजिनल पेपर है ये भी जो कमांडो अकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है कमांडो अकेडमी के नाम से उसमें डालूंगा मैं, तो आप वहां से ले लेना। एसटी कैटेगरी के 3,46,000 फॉर्म भरे गए हैं, ओबीसी के 13,33,330 फॉर्म भरे गए हैं, जनरल कैटेगरी के लगभग 5,39,365 भरे गए हैं, ईडब्ल्यूएस के 2,19,831। सबसे ज्यादा अगर कोई फॉर्म भरे गए हैं दिल्ली पुलिस में तो वो भरे गए हैं ओबीसी कैटेगरी के, जबकि जनरल कैटेगरी के फॉर्म कम है, ध्यान रखना सबसे ज्यादा फॉर्म किसके भरे गए हैं ओबीसी कैटेगरी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस बार आपको नंबर ज्यादा लाने पड़ेंगे। ये ओरिजिनल डाटा है जो हमको आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये आप अपने खुद भी देख सकते हो। इसमें देखो ये रहा ओबीसी कैटेगरी 13,33,330 ओबीसी के लड़के और लड़कियों दोनों का मिला के, ध्यान रखना ही। एससी के 8,04,331, एसटी के लगभग 3,46,000, ओबीसी के 13,33,330, जनरल के 5,39,365, ईडब्ल्यूएस के 2,19,881 और कुल हो गए 32,43,883 फॉर्म भरे गए हैं। अब आपके मन में एक चीज और आती होगी जानने के लिए, ये देखिए ये पूरी की पूरी जो आरटीआई है वो है जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में देने वाला हूं, आप वहां से ये पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर सकते हैं और ले सकते हैं, ठीक है। कमांडो अकेडमी के नाम से ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें से आप ये ले सकते हैं। अब आपके मन में ये आती होगी कि कितने प्रतिशत उपस्थिति रहती है इसमें, तो मैं आपको बताऊं 32 लाख जैसे है इसमें से ज्यादातर चांस रहता है इसमें, अगर हम 32 लाख लें
तो इसमें लगभग 70% के आसपास उपस्थिति रहने वाली है। अगर हम अनुमानित करें लगभग 24 से 25 लाख बच्चे पेपर देने के लिए बैठेंगे। अब आप सोच सकते हो कट ऑफ किस लेवल पर जाएगी इस बार। अब इसके बाद में पेपर के बाद में इसका फिजिकल और फिर मेडिकल और फिर फाइनल कट ऑफ। तो आपको इस बार अच्छे अंक प्राप्त करने के पड़ेंगे और स्पेशली ओबीसी कैटेगरी के जो फॉर्म भरे गए वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखिए। अगला जो मेरा वीडियो रहेगा वो आरटीआई रिप्लाई है SSC GD की। SSC GD पे भी मैंने पिछले महीने में काफी आरटीआई लगाई थी, जिनमें से अब रिप्लाई आया वो वीडियो मेरा SSC GD पे रहेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।